जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी अभी आपको दिखाया था कॉमर्स में टॉप किया था, तो वो इंजीनियर बने कि डॉक्टर, आप ही बताइए क्या बने है कॉमर्स के बाद। लेकिन मेरे साथ साइंस वाला स्टूडेंट है, तो हो सकता है ये आर्ट्स लेके कुछ करेंगे आप आगे, है ना? नहीं नहीं, मेरा साइंस स्ट्रीम में ही आगे लेके जाना है आगे। हाँ। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? इंजीनियर पीसीएम है। पीसीएम है? हाँ। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट देना पड़ता है, बट मेरा पीसीएम सब्जेक्ट हो गया तो वो अब पीसीबी लेना पड़ता है क्या? हाँ। आपने नहीं लिया? नहीं, मतलब इंजीनियर बनना था। हाँ। तो कब आपने डिसाइड किया कि इंजीनियर बनना है? लाइक 11th के स्टार्टिंग में ही। नाम क्या है आपका? सनी कुमार विश्वकर्मा। सही बोल रहे हैं ना? सन्नी नाम है, तो सन्नी जो है बहुत फेमस नाम है। तो सन्नी कुमार विश्वकर्मा बरही के हैं, और 10th में भी इन्होंने 93% लाया था। किस स्कूल में पढ़ाई किया 10th आपने? डीवी पब्लिक स्कूल बरही। बरही में? तो कैसे जाते थे घर से, कितना दूर था बरही का? लाइक 2-3 किलोमीटर। लाइक पैदल जाते थे? नहीं, बस। साइकिल? कभी साइकिल नहीं, बस। कभी नहीं, हमेशा बस? बचपन से बस। हाँ। साइकिल चलाने आता है? साइकिल यहाँ पे एंजल्स में। एंजल्स में चलाना, यहाँ साइकिल जाते थे? हाँ। यहाँ लॉज में रह रहे थे कि कहीं? नहीं, दोस्त के घर पे रहते थे, तो उनकी मम्मी लेके ध्यान रखती थी, लेकिन 2 साल तक वही थी। और ये बताइए, पढ़ाई के अलावा भी कुछ खेलते वेलते हैं, मतलब पिक्चर उक्चर देखने जाते थे, कुछ ऐसा शौक? नहीं, सब मोबाइल फोन गेमिंग वगैरह बस। बाहर का कोई गेम नहीं? बाहर का गेम नहीं। क्रिकेट फुटबॉल नहीं? ना, खाली पढ़ाई। स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत ऐसा चेस वगैरह, नहीं तो ऐसा नहीं। चेस खेलते थे, बाकी पढ़ाई करते थे। हाँ। कितना घंटा पढ़ते थे? लाइक ट्यूशन और स्कूल छोड़ने के बाद 3-4 घंटे थे। 3-4 घंटा स्कूल के बाद? स्कूल ट्यूशन छोड़ने के बाद सेल्फ स्टडी, मतलब 2-3 घंटे मैक्स मैक्स। और ये हर दिन का रूटीन था? हाँ, लेकिन उतना सारा वर्क वगैरह भी रहता था। तो ये 10th में भी यही रूटीन था कि 12th में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ये बताइए? लाइक 10th में थोड़ा तो कम पढ़ते थे, 12th में इधर जाता है। 12th में टफ था थोड़ा ना? हाँ, लाइक काफ़ी वास्ट सिलेबस है। बहुत टफ था, हम तो फेल कर गए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। नहीं, फिजिक्स मैथ और एक और सब्जेक्ट था, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी लिए नहीं थे। तो मैथ और फिजिक्स बहुत टफ होता है, 33% ला के हम पास किए किसी तरह से। तो कैसे आप, कितना लाया मैथ में? कितना लाया मैथ्स में? 98, फिजिक्स में 95। 98 मैथ में? हाँ। फिजिक्स में 95? हाँ। इतना कैसे लाते हैं मार्क्स, मतलब क्या? मतलब डेली प्रैक्टिस वगैरह से तो हो जाता है। किताब कौन सा पढ़े थे? एनसीआरटी काफ़ी होता है कि और भी किताब? लाइक मैथ्स के लिए एनसीआरटी के अलावा आरडी शर्मा पढ़ते थे। आर एस अग्रवाल भी पढ़ते थे? नहीं, बस आरडी शर्मा। हम लोग आर एस अग्रवाल से पढ़ते थे, आरडी शर्मा लेते थे शायद, ज़्यादा मार्क्स आता क्या? और फिजिक्स के लिए बस स्कूल और ट्यूशन बस। एच सी वर्मा मतलब थोड़ा बहुत, नहीं मतलब उतना ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? एच सी वर्मा ठीक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं पढ़ पाते, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था बनाने के लिए। स्कूल और किताब से आप 95 लिया फिजिक्स में? स्कूल और ट्यूशन का नोट्स से इनफ। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री भी सिर्फ स्कूल और ट्यूशन का जितना नोट्स है बस उसी में, उसके अलावा कौन सा स्कूल में पढ़े? एंजल्स हाई स्कूल। एंजल्स में? 12th एंजल्स से किया इन्होंने, 11th 12th और 10th डीएवी पब्लिक स्कूल से। मतलब एंजल्स के दो लड़के जो हैं, आप कह सकते हैं कि आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी टॉपर और साइंस में भी टॉपर। आर्ट्स वाला भी अगर जाएंगे तो शायद एंजल्स का निकल जाए, कोई ठीक नहीं है, जाएंगे उसके पास। लेकिन अभी तो ये मेरे साथ है, साइंस के टॉपर है। आगे क्या करना है? अभी आगे जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग है ना। तो बच्चा जो है 10th पास किया नहीं, कि पेरेंट्स को लगता है कि उनको इंजीनियरिंग करना चाहिए, ठीक बोल रहे हैं? हाँ, सही है ना, बिल्कुल। मतलब बच्चा को शुरू से ट्रेन कर दे कि इंजीनियरिंग करना है, जो करना है करना है, बच्चा का ऐसे भी मन जो करे, हम लोग सपोर्टिंग में है। हाँ, कुछ भी करे, कुछ भी करे, आर्ट्स ले ले, म्यूजिक करे, ना जो इच्छा, इच्छा जो हो, इच्छा जो, जो इच्छा हो, इच्छा जो। आप क्या चाहते थे? नहीं, जो मेरा सनी चाहेगा वही मेरा, जो सनी चाहेगा। हाँ। सनी देवल, सनी देवल उसका मन, उसका मन। आप चाहते थे कि इंजीनियर बने? बने है एकदम, बने ये चाहती है, इंजीनियरिंग करे, अच्छा कॉलेज करे। हाँ, तो कोटा उठा नहीं भेजिएगा ना? नहीं, कोटा का तो कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग वैसा कुछ नहीं। कोटा में हम लोग देख रहे हैं जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं है। कोटा का भी आया था लेकिन हम लोग वहाँ नहीं भेजे, नहीं भेजे, नहीं भेजे। क्यों नहीं कोटा भेजना चाहते हैं? एक तो दूरी भी ज्यादा है और वहाँ फिर बहुत परेशानी होगा मेरे ख्याल से, हमें जाना। यहाँ मैनेज कर लेगा? यहाँ तो मैनेज कर लेगा, यहाँ तो घर का बगल में है तो दिक्कत नहीं है, यहाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं। सारा आईआईटी निकलवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आईआईटी ही निकालेंगे, आईआईटी का एम है अभी, तो वही कर रहे हैं। आप जानते हैं आईआईटी गए हैं कभी? नहीं गए तो नहीं, नहीं गए हैं। आप जाइएगा है ना बेटा के साथ? एकदम जाएंगे, है ऐसा लग रहा है? एकदम लग रहा है, लग रहा है ना, एकदम लग रहा है। घूमने जाइएगा, आईआईटी और लेने भी जाइएगा, जाएंगे। तो क्या लगता है आईआईटी अगर निकल जाएगा या जेईई एडवांस में कैसी तैयारी है? अभी तो सेल्फ स्टडी से ही कर रहे हैं, अगर इस साल नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेकर फिर प्रिपरेशन प्रॉपर।
क्योंकि ये दो साल नहीं निकलेगा क्या लगता है? नहीं, ये दो साल बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान था तो अच्छा। उधर थोड़ा कम ध्यान था तो अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना है। हाँ, है ना, उसके लिए अब एक साल एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर क्या इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मतलब मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, क्या लाइक आई टी या फिर सी एस ब्रांच अगर मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता है? कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाना है वही तौर पर। तो कंप्यूटर कितना नॉलेज है पहले से? लाइक ऐसे 10th तक में थोड़ा बहुत ऐसा कोर्सेज वगैरह किए हैं और लाइक मतलब खुद से ही जितना हुआ है ऐसा फिलहाल। घर में कंप्यूटर है? हाँ, खेलते रहता है गेम उसमें, गेम्स या फिर कुछ भी लाइक कुछ भी सीखने के लिए भी या फिर गेम्स के लिए कुछ भी सब चीज़। तो क्या इंस्पायर करता है जैसे आजकल के जो युवा हैं, 12th के बच्चे हैं, उनका इंस्पिरेशन क्या होता है करने का, कुछ अलग आगे बढ़ने के लिए? क्या कुछ ऐसा होगा ना कि इसको देख के हमको लगता है कि इनके जैसा बनना है? जैसे बहुत लोग एलन मस्क बोलते थे कि हाँ हमको एलन मस्क बनना है, या फिर मार्क ज़करबर्ग जैसा बनना है, या अंबानी बनना है, अदानी बनना है, इस तरह क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे लाइक ऑनलाइन देखते हैं जो काफ़ी सारे IITians हैं, उनका लाइक आगे जाने के बाद वो उनका लाइफ बहुत ज़्यादा सही रहता है, तो वो सब काफ़ी इंस्पायर करते हैं और लाइक मेरे को भी मन करता है वो सब करना। कौन सा IIT जाना चाहेंगे अगर IIT में हो गया तो? वो डिपेंड करता है ना आपका रैंक कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट मिले। रैंक बना गया तो IIT दिल्ली रैंक बनाएगा तब भी IIT दिल्ली जाइएगा, ये सोचा है आपने? हाँ। दिल्ली पसंद है मतलब आपको? हाँ, लेकिन जाना का इच्छा तो है। देखिए दिल्ली जाएगा लड़का, ठीक है, दिल्ली जाएगा तो पहले से कंफर्म है, पहले से कंफर्म है ये दिल्ली जाएगा। ये तो है, तो ये दिल्ली का टिकट इसके। एक चीज़ और है, अंग्रेजी में कितना आया था आपका? 95 मतलब सब में बढ़िया आया था। तो स्कूल के टीचर्स और जो पढ़ाई के दौरान में इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था तो वो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देती थी लाइक ब्रेक्स वगैरह के बीच में, और बाकी सारे टीचर्स भी बहुत अच्छा लाइक सारे सपोर्ट करते थे। लाइक स्पेसिफाई बोले तो सारे लाइक जो भी आपके प्रवीण सर हो गए, आपके आसिफ भैया, लाइक राजकमल सर और नैना मैम, मनरत्न सर, सारे टीचर जितने भी हैं सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली मतलब हम लोग के साथ रहते थे। तो मतलब स्कूल में अच्छा माहौल मिला? हाँ, काफ़ी। ट्यूशन में भी अच्छा माहौल मिला? ट्यूशन में भी सारे टीचर्स आपके, इकबाल घर में भी अच्छा माहौल मिला? इकबाल सर, सिकंदर सर, आपके जॉय सर, आसिफ भाई, सारे के सारे सारे बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, आगे भी ऐसे ही रहेगा इंजीनियरिंग में, रैगिंग में बहुत होता है, माइंड प्रिपेयर है ना पूरा, इंजीनियरिंग में जाएंगे रैगिंग उन सब झेलेंगे, सब हो ही जाएगा धीरे धीरे। फिल्म तो देखते ही होंगे ना? बहुत फिल्म देखते होंगे। अच्छा, फिल्म कौन सा लगता है? एक ऐसा नॉर्मली बॉलीवुड बहुत कमी है, कमी देखते हॉलीवुड में, मार्वल वगैरह जाते हैं। अच्छा, वो सब देखते हैं। बस उसके अलावा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो देखिए, हम लोग तो भाई नहीं कर पाए इंजीनियरिंग, साइंस नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द IIT देगा, JEE एडवांस की तैयारी कर रहा है और एम है कि पूरा ज़िला में टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है, 97% लाना या फिर उतना 95-98 फिजिक्स में लाना बहुत टफ होता है 10th में, और इसने ये कर दिया। सन्नी भरी से हैं, इसके फादर मदर जो है वहीं पे बिजनेस करते हैं, फादर माँ जो है हाउस वाइफ है, और आज पूरा बरही जो है, बरही का पूरा हज़ारीबाग एक प्राउड फील कर रहा होगा। और एंजल्स हाई ने कमाल कर दिया इस बार, 3 बच्चे जो हैं एंजल्स हाई के, तीनों जो हैं, 4 बच्चे हैं, उधर से कोई इशारा कर रहा है 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे जो हैं एंजल्स हाई के वो टॉप मतलब हैं, फर्स्ट वन, रैंक वन, रैंक वन ऐसा है, और आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों में मतलब बाजी मार दिया है। तो 10th में भी, 10th का भी टॉपर जो है वो एंजल्स का है, तो देख लीजिए टॉपर कहाँ से निकल रहे हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ तो है, कुछ तो अलग है। तो यही है, इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे सनी से, कुछ बोलना चाहते हैं कि आज के युवा देख रहे होंगे बहुत गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते खेलते पढ़ाई कैसे करना है? लाइक गेम खेलना बुरा नहीं है, बट अगर आप उसको पढ़ाई के अलावा उसको टाइम दे रहे हो तो लाइक वो भी सही, आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कम कर रहे हो। हाँ, नहीं तो ऐसा लाइक सही है। और शौक इसके अलावा, हॉबीज कुछ पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा ऐसा थोड़ा बहुत म्यूजिक या फिर क्यूबिंग वगैरह, बस म्यूजिक और कुछ नहीं। गिटार बजाते हैं? नहीं, मतलब वैसा लाइक सुनना वगैरह पसंद है, और हाँ। क्यूबिंग वगैरह या फिर चेस वगैरह खेलना मेरे को सही लगता है, इंडोर गेम ज़्यादा पसंद है। हाँ, आगे जाके लेकिन जिम करना पड़ेगा इंजीनियरिंग। हाँ। तो यही थे बरी से मेरे साथ सनी और इनके फादर जो है, आप लोग नाम पूछे नहीं? नरेश विश्वकर्मा। आपका क्या नाम है? सन्नू देवी। संजू देवी? सन्नू देवी। सन्नू देवी। तो देखिए ये लोग जो हैं टॉप किए हैं, ये लोग नहीं टॉप किए मतलब इनका बेटा टॉप किया है, तो बहुत खुशी की बात है। और बरही का लड़का जो है हज़ारीबाग में रह के तैयारी करना, देखिए हज़ारीबाग तो एक हब हो ही गया है, लेकिन यहाँ से जो बरही, बरकट्ठा, चौपारण, धनबाद, बकोदर, गिरिडीह के लड़के आते हैं, कुर्रा मटवारी में ट्यूशन कोचिंग करते हैं, रहते हैं हज़ारीबाग में और फिर टॉप करते हैं, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि घर का बना खाना नहीं मिलता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। प्यार मिलता है इन लोगों को उतना जितना?
बाहर में तो जो भाई मिलेगा उसी को मैनेज करना है। मेरा तो एक ही बाबू है, फोन रोज करते थे डेली, वीडियो कॉल की फोन से भी बात होता था, वीडियो कॉल में बात होता था, देख लेते थे, संतुष्टि मिल जाता है मेरा बच्चा है। भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, करियर बनाने के लिए इतना करना पड़ता है, तो बरही के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे थे, वो स्ट्रगल होता है, घर का प्यार, घर का खाना नहीं मिलता है, तब भी इन्होंने अपना माइंड को स्टेबल रख के टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया।